हेलो फूडीज, वेलकम टू हैप्पी किचन। आज हम बहुत ही सिंपल एंड क्विक डिनर रेसिपी देख लेते हैं, जो कि है खिचड़ी कढ़ी की रेसिपी। सबसे पहले हम खिचड़ी बना लेते हैं। उसके लिए हमें 1 कप जितने चावल चाहिए, उसमें हम आधे से थोड़ी सी ज़्यादा मूंग दाल डालेंगे, जो छिलके वाली होती है। वो दोनों को मिक्स करके अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम एक कुकर लेते हैं, उसमें हम 1 से 1.5 चम्मच जितना घी डालते हैं। जैसे ही घी गर्म होता है, उसके बाद हम इसमें राई डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जीरा, फिर हम लौंग और दालचीनी डालेंगे, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, फिर हम जो भीगी हुई दाल चावल है वो दोनों डाल देंगे, फिर हम पानी डालेंगे। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको कैसी खिचड़ी पसंद है। फिर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, फिर ढक्कन लगा के इसके मेरे कुकर में 3 से 4 विसल में हो गई थी। हर एक कुकर में डिफर करता है। देखिए कितनी इजी है ना, ये हमारी बहुत ही सिंपल एंड क्विक खिचड़ी की रेसिपी रेडी है। अब हम कढ़ी देख लेते हैं। कढ़ी के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप जितना दही लेंगे। उस दही में हम 4 से 5 चम्मच जितना बेसन डाल देंगे। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठलियां ना रहे। फिर हम 2 कप या 1.5 कप जितना पानी डालेंगे। फिर हमें इसमें कटी हुई हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का, थोड़ी सी हल्दी, ये ऑप्शनल है, आप व्हाइट भी बना सकते हो। फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 से 2 चम्मच जितना तेल डालेंगे, उसमें थोड़ी सी राई डालेंगे, फिर जीरा, फिर दालचीनी एंड लवंग, थोड़ी सी हींग डालेंगे और फिर करी पत्ता डालेंगे। ये बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, स्पेशली गुजराती कढ़ीस में मेथी दाना का पाउडर या फिर अक्खा मेथी दाना भी डाल सकते हो। फिर हम इसमें जो घोल रेडी किया था वो पूरा का पूरा डाल देंगे। थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो, ये अपनी कंसिस्टेंसी के चॉइस के मुताबिक आप डाल सकते हो पानी। फिर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और खटाई को बैलेंस करने के लिए हम इसमें गुड़ डालेंगे। फिर इसको 5 से 8 मिनट तक ऐसे ही उबालने दीजिए। फिर हम फ्रेश धनिया पत्ता डालेंगे, 3 से 4 मिनट और उबलने दीजिए। जितनी उबलेगी कढ़ी वो उतनी ही टेस्टी बनेगी। देखिए हमारी बहुत ही डेलिशियस एंड बहुत ही टेम्पटिंग डिनर थाली रेडी हो गई है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। खिचड़ी के ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा।
इसको आप सैलेड या पापड़ के साथ सर्व कर सकते हो, या फिर ऐसे भी अचार के साथ भी खा सकते हो, या फिर कड़ी खिचड़ी ऐसे भी खा सकते हो। हो गई ना हमारी बहुत ही डिलीशियस डिनर थाली रेडी? सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल हैप्पी किचन। थैंक यू।